मेरा नाम गोपाल अग्रवाल है और ये पटेल मार्केट का हिसार रूम है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है और ये पॉलिटिक्स जो चल रही है, मुस्लिम के लिए बोलो या हिंदू के लिए बोलो, किसी के लिए भी बोलो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता का चारा है और 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग इतने प्यार से झंडा फहराते हैं, इसलिए हम वीडियो कॉल भी आपको चाहिए तो दे सकते हैं हम लोग। और हम इन पूरे लीडर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपना संयम रखिए और कोई आदमी गलत काम करता है तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहूँगा, कोई भी जात का कोई भी कौम का लीडर हो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हमारी कौम के बारे में कोई बोला तो। हिंदू मुस्लिम हमारी एकता का प्रतीक है, ये हमारा पटेल मार्केट घासी बाजार पत्थरगट्टी चार मीनार चार कमान पूरा एरिया हमारा हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर कितने लोग ठहरे हुए, इसमें कितने लोग कौन सी कौम की है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब मिनिस्टर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारी कौम में फूट ना डालें और हमारा कारोबार आगे बढ़ने दें। हमारा कारोबार पहले 3-4 महीने से परेशान है हम लोग, फिर ऊपर से नए तमाशे क्या आ रहे बोलिए आप, कुछ तो करिए आप लोग, मीडिया से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसे कि आप सबको मालूम है कि राजा सिंह मलून ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है उसकी वजह से हम सब पटेल मार्केट के मेंबर जो है ना ये मार्केट बंद रखे हैं, सब मिलकर हिंदू मुस्लिम पूरे मिलकर जो है ना मार्केट बंद रखे हैं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। आए दिन ये देखने में आ रहा है कि वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं फिर उसको जो है ना 3-4 दिन में छोड़ दे रहे हैं, ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। आज हम लोग बर्दाश्त किए ख़त्म होने पर आज रोड पर निकले हैं, अपनी जो है ना मार्केट पूरी बंद रखना हमको पड़ा है, उसकी वजह से हम हुजूर की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेलंगाना पुलिस से हमारी अपील है कि जो है ना वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उसको फांसी की सज़ा दें और हम सब मिलकर जो है ना ये मार्केट का जो है ना बंद रखे हैं, किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करें, अपनी खुशी से जो बंद रखा है उसे बंद रखा है। ये हमारे हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करा उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा। आप मीडिया लोगों से जाहिर हुआ है कि ये इसको सस्पेंड करें और ऐसे लोग पार्टी के वर्कर्स ही नहीं रहना जो माहौल देश का ख़राब करना चाह रहे हैं, जो हालात ख़राब करना चाह रहे हैं। पहले ही हिंदुस्तान जो है बहुत ही उससे गुजर रहा है जिसका आप तमाम देख रहे हैं कि गरीब आवाम परेशान है, ऊपर से ये ऐसे बयान दे के शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कल के रोज़ अगर ये बॉयकॉट हिंदुस्तान को बॉयकॉट कर दिए कोई तो पेट्रोल कहाँ से आएगा, इतना इंपोर्ट जो हो रहा है जो एक्सपोर्ट होता है वो बैन हो गया तो हिंदुस्तान की माशी हालात आप समझ सकते हैं क्या होंगे। ऐसे लीडर लोग अपने मुफादात के लिए जो शहर का पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं उन लोगों को पार्टी में भी नहीं रहना चाहिए, किसी चीज़ का इन लोगों को कोई चीज़ का इख्तियार नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग ही हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को ख़राब करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है उसमें 50% हिंदू है व्यापारी लोग और 50% मुस्लिम व्यापारी हैं। अब आप असर तो दोनों पे पड़ेगा और यहाँ पे इतने कम से कम मैं समझता हूँ 5-6 लाख लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, जो बेचारे गरीब तबके के हैं जिनकी रोजी रोटी उससे ही चलती है, कारोबार हुआ उनको तनख्वाह मिलती है उससे चलती है। वो लोग घर में पहले कोरोना की वजह से इतने हालात ख़राब हुए जिसकी वजह से काफ़ी लोग बेचारे खाने को मोहताज हो गए, खाने के लिए मोहताज हो गए थे, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। अब ऊपर से एक के बाद ऐसे बयान देते रह रहे हैं और हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं जानबूझ के, ताकि हिंदुस्तान की आवाम की जहनीत को डाइवर्ट किया जाए, उनको डाइवर्ट करो, उनको दूसरे उसमें डालो ताकि ये बात ही ना आए कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया जिसपे 200% 300% बढ़ गया हर चीज़ में कीमतें, गरीब आवाम कहाँ जाएंगी। और ये प्रोटेस्ट होंगा करेंगा बोल के लोग ये चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में माइंड डाइवर्ट हो जाना पब्लिक का और जहन ख़राब हो जाना और सब एक दूसरे के भाईचारे को ख़त्म हो जाना, दिलों में नफरत आ जाना। नहीं, मैं मेरे भाइयों के साथ ठहरा हूँ, हमारे भाइयाँ
सब साथ में है और ये आज खाली इसलिए दिखाए कि हाँ हम लोग साथ है, गंगा जमुना तहजीब बरकरार है, आप लोगों को तकलीफ हुई हम लोगों को तकलीफ हुई बोल के भी पूरे हिंदू भाई लोग हमारे साथ है और पूरे लोग बंद करे सर अपनी मर्जी से, ठीक है। 50 साल से हम लोग साथ में व्यापार कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को भाई, इनकी शादी इनके बच्चों की शादी में हम लोग शरीक होते हैं, हमारी घर की शादी में आप लोग शरीक होते हैं, ये माहौल है हमारा यहाँ पर, आज भी ये माहौल है, आज भी हमारे साथ ठहरे हुए हैं, आप देख सकते हैं तमाम हिंदू भाई लोग हमारे साथ ठहरे हुए हैं।